हाँ भैया, हिंदू सम्राट बोलें। हाँ हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार। अरे अभी आप जो डिबेट कर रहे थे कि हिंदू धर्म को त्याग दो, तो फिर मैं हिंदू धर्म को त्याग कर क्या बनूंगा, ये मुझे समझा दो। आपको क्या बनने की जरूरत क्या है? आप इंसान हो, इतना काफी नहीं है? नहीं तो नहीं, इंसान आप देखो इंसान। विज्ञान। हाँ बोलिए। तो वही तो नहीं, हिंदू धर्म आप मन नहीं तो आप क्या आपके हैं, हम जीवन में इंसान धर्म नहीं। की क्या जरूरत है? धर्म की हाँ, हम जरूरत लोग है ना। इंसान नहीं है क्या? नहीं आप इंसान हो तो आप अपने आप को नास्तिक मानते हो। हाँ, हम वेद निंदक नास्तिक नास्तिक है, तो बताइए। आप नहीं लोगों के कारण बोलना पड़ता है हमको। हम तो अपने आप तो को इंसान ही बोल आप, देंगे यार। नहीं नहीं अच्छा, जब इंसान आप तो वो पैदा तो हुए हर थे तो इंसान, क्या थे? जब पैदा हुए थे आप? हर जीव की एक पहचान होती है। हर जीव एक जानवर है या किसी नाम से जाना जाता, हाँ, तो हमें आपकी इंसान या पहचान मानव आपको कहते हैं, बता ठीक रहा है। हूं ना। रुको ना, तो वही आपकी तो मैं तो पहचान भी वो तो आपको हूँ मैं बताऊंगा मैं। हाँ, वो तो मैं हूँ, वो मैं जानता हूँ, लेकिन नहीं, मैं जब आप जानना पैदा चाहता हुए हूँ थे हिंदू तो मत क्या क्या। थे आप? हिंदू थे कि आप मुस्लिम थे? क्या थे आप? मैं हिंदू के यहाँ पैदा हुआ तो मैं हिंदू ही हूँगा ना। अच्छा, नहीं, ये आप तो जब है पैदा सर, हुए थे तो नहीं। आप अच्छा क्या थे ये बताओ। आप जब जैसे ही आप पैदा हाँ, हुए मैं थे क्या हिंदू। थे आप? मैं देखो इंसान एक विज्ञान साइंस का बनाया हुआ शब्द है, वो कोई ऐसा नहीं है कि ये प्रमाणिक शब्द है। इंसान इंसान कोई साइंस का मानव बनाया कहते हैं, कोई कुछ शब्द भी कहते हैं। इन साइंस में इंसान को कुछ और तरीके से डिवाइड किया गया है। है। हाँ, कैसे, क्या साइंस के नजरिए से हम इंसान थोड़ी हैं, हम तो एक है हम जानवर की लोग? तरह हैं जिनका कोई, समझ लो, कोई संस्कृति नहीं है। हाँ हम लोग होमोसेपियन है यार, साइंस की नजर वही में। तो हाँ, वही तो वही तो तो हम उसी को तो तो इंसान मैं कहा जाता है, सरल सरल भाषा में। हाँ तो मैं वही तो आपसे जानना चाहता हूँ। आप नास्तिक कहते हैं तो नास्तिकता की परिभाषा मुझे बता दीजिए, तो मैं हिंदू धर्म छोड़ दूंगा। वेद निंदक नास्तिकता की नास्तिक है भाई। परिभाषा है कि कोई भी काल्पनिक ईश्वर नहीं है, ये नास्तिक हो, इस चीज को मानना नास्तिकता है। समझ गए? हाँ बस इतनी ही मीनिंग है क्या इसकी? नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या है। और देखिए आप बस। हिंदू है ना, आप हिंदू है हाँ ना, हूँ, तो हिंदू हाँ धर्म हूँ, शास्त्रों के हिसाब से जो वेदों और शास्त्रों की निंदा करता है वो नास्तिक हाँ। कहलाता है, ठीक नहीं है? नहीं नहीं तो हम ऐसा ऐसा नहीं है। है, मैं दिखा दूँ तो क्या हाँ, देंगे आप? नहीं, यही वो है, मत सही बोला दिखाइए, नहीं आपने। मैं दिखा तो दूंगा वेद अभी, उसमें लिखा नहीं, वो तो मैं हर दिखा हर दूंगा धर्म में अभी। लिखा नहीं, वो हर धर्म में हर लिखा धर्म में गया है लिखा। आप कि हिंदू धर्म से आते हैं क्या, भारत धर्म से आते हैं? मैं हिंदू हाँ धर्म ये से आता बताइए, हूँ। तो हिंदू धर्म से मैं बात हिंदू। करिए ना आप। आप हर धर्म पे क्यों जा रहे हैं? तो वो तो अच्छा आप जो ये बोल रहे हैं बताओ ना ना, मैं कि आपसे मतलब धर्म पूछ की रहा हूँ निंदा करने यार वाला कि आप, नास्तिक अरे सुनो तो भैया, मैं आपसे है। पूछा कि जब आप पैदा हुए थे तो क्या थे? आप बोल दिए कि मैं हिंदू घर में पैदा हुआ। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको कौन बताया कि आप हिंदू हो? मतलब आप जब पैदा हुए तभी आपको पता चल गया था कि आप हिंदू हो, कि आपको किसी ने बता हाँ, दिया? मुझे किसी ने बताया है। हाँ, अगर वो आपको ये बताता कि आप मुसलमान हो तो अभी आप क्या होते? तो मुसलमान फिर अभी ये हिंदू सम्राट की जगह क्या लिखे रहते? कुछ और मुसलमान नाम होता सम्राट। मेरा, हाँ, तो और फिर इसका अगर ये मतलब है खलीफा। कि आप, इसका ये मतलब है कि आप अपनी पहचान वो बता रहे हैं जो किसी दूसरे ने आपको बताया है? तो मतलब इसी इंसान की कोई ना कोई इसी पहचान तो पहचान की होती आप है बात ना? कर रहे थे ना? इसी पहचान नहीं की तो आप मैं बात तो कर रहे थे ना? आपकी भी पहचान है, तो आपको भी हाँ है पहचान ना, किसी ने दी लेकिन होगी कि लेकिन आपने तो बनाई काल्पनिक नहीं है ना। थोड़ी ना, नहीं तो लेकिन आपकी बनाई काल्पनिक हुई थोड़ी पहचान ना। तो नहीं है वो, तो ये भी काल्पनिक नहीं है बिल्कुल। ना। अरे भाई सुनो सुनो सुनो, हाँ आइडेंटिटी जो होती है ना, वो आपको पता है कि आपकी क्या पहचान है, ठीक है? जैसे हाँ कि शक्ल भी आपकी एक पहचान होती है। शक्ल कोई काल्पनिक चीज नहीं होती है। शक्ल किसी ने आपको बताई नहीं है कि तेरी शक्ल ऐसी है, लेकिन हिंदू हो आप, ये आपको किसी ने बताया है, ये काल्पनिक बात है, ये दूसरे ने आपके ऊपर थोपा है, ये उधारी वाली चीज है ना। आप अभी अभी आप आईने को देखो, आपको जो शक्ल दिखाई दे रही है वो ओरिजिनल है, वो नगद चीज है। अब आप समझे? तो इस हिसाब से दुनिया में जितने भी धर्म है सब काल्पनिक हैं। बिल्कुल काल्पनिक है काल्पनिक है। और नहीं, चूतिया है। नहीं, एक और नहीं जोड़ तो देता हूँ, काल्पनिक है और चूतिया यानी कि दुनिया के सभी धर्म काल्पनिक हैं दुनिया के भाई। सभी धर्म बिल्कुल, काल्पनिक भी हैं और चूतिया भी हैं। लो भाई, मतलब सभी जो जितने भी धर्म हैं, जिनको मानने वाले हैं, जिनकी मूर्तियां हैं, जिनको पूजते हैं, हिंदी नहीं समझ में आता आपको? हाँ समझ गया समझ गया। हाँ तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी चीन में रहती है, जो नास्तिकता को मानती है, जो किसी धर्म को नहीं मानती।
तो उनकी संस्कृति क्या है? वो तो कीड़े मकोड़े सब खा जाते हैं, क्योंकि साइंस के हिसाब अच्छा से वो मानव है, और मानव का कोई धर्म नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, उनकी कोई रीति रिवाज नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है, तो वो ही होते आप हैं कीड़े नहीं नास्तिक। खाते हो? आप एक मिनट कीड़े नहीं रुको, खाते नहीं हो? कभी चीन गए हो? आप नहीं चीन गए मैंने हो खाता क्या? ना कीड़े जो। हाँ अरे क्यों भैया कभी उसका? चीन गए हो? सुनो तो, हाँ कीड़ा नहीं गया हूँ। खाते आप, छोड़ो उसको। चीन नहीं कहाँ नहीं गए हो? गया, कहाँ गए हो आप? चाइना में नहीं नहीं गए हो ना? नहीं चाइना, गया, नहीं जिस गए। दिन चाइना में पहुंचोगे ना, जिस दिन शंघाई को देखोगे ना, आंख फट जाएगी, समझे? वो कहीं के कहीं पहुंच गए। आप लोग ना यही धर्म धर्म करके, यही जमीन में, वो तो कीड़े मकोड़े खाते हैं भाई, आप ना धर्म धर्म करके कीड़े मकोड़े जैसे जमीन में रेंग रहे हो, पता है आपको? वो बिल्कुल, तो कहीं के वो तो कहीं पहुंच गए, वो कीड़े मकोड़े तो खाकर वो आप ही को कहां से खा कहां जाएंगे, पहुंच गए ना। आप ही को खा जाएंगे। अब ये अभी देखे ना, वो क्या फिंगर 9 से फिंगर 4 पहुंच गए, वो उसके पहले भी खा चुके हैं। बिल्कुल। कहां लगे हो भैया, कहां लगे हो यार? तो नहीं तो आपको पता है मैं भी स्कैंडिनावियन आपकी कंट्रीज जो उत्तर। है ना, एक मिनट सुनो ना, हाँ स्कैंडिनावियन अच्छा, कंट्रीज जो नाम का है ना, मैम वो कह रही तकरीबन मेडिसिन खाते तीस हो? पैंतीस हाँ मेडिसिन नहीं खाते स्कैंडिनेवियन क्या भाई? कंट्रीज जो हाँ है मेडिसिन ना, खाता वो हूँ, मेडिसिन तकरीबन आयुर्वेद, आयुर्वेद आयुर्वेद को जानती हैं या नामिका मैडम? आयुर्वेद, आयुर्वेद किसका किसका बनाया हुआ है? उसको भी बता रहा हूँ, आयुर्वेद भी बता रहा हूँ। मतलब आयुर्वेदिक ये एक जो मुंह अगर का, आपको ब्लड की आयुर्वेदिक नीड हो जो जाए तो होती आप है वो। कैसे, नहीं अगर आपको ब्लड की नीड पड़ जाए, अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो आयुर्वेद से कैसे भाई उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे होगा अरे भाई तो भाई उसके साथ? देसी, अभी आप जब आपकी किसी उम्र ग्रामीण कितनी इलाके में है? जाते हैं ना, तो वहां पे मेरी एज है नहीं ट्वेंटी नहीं किसी फाइव का किसी अभी का आपकी एज एक्सीडेंट हो ट्वेंटी जाए फाइव और है, उसका आपके रक्त साथ। ज्यादा निकल जाए तो क्या होगा फिर? कैसे करोगे ये आयुर्वेद से बताएं? नहीं तो ये टेक्नोलॉजी किसी तो को आज आई अगर, है, प्राचीन समय में तो कुछ था ना, पुराने समय में तो अरे कोई आज आई तो विधि नहीं थी। प्राचीन आई थी समय ना में, आपके, तो तो अभी भी नहीं प्राचीन आई समय ना। में जो था उसका ये मतलब थोड़ी ना भाई कि जो अभी की टेक्नोलॉजी उसको नकार दे हम। अभी की हाँ टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी है, आपकी आयुर्वेद किसी काम की नहीं है। तो लेकिन कुछ गोबर इलाज का मैं ऐसे हैं कि जो देख आयुर्वेद बताता के बिना हूँ, गाय संभव का नहीं है। गोबर और गाय का मूत है बस। हाँ हाँ उसमें अंडकोश खिलाते हैं भैया, अगर देखना हो तो फिर दिखाएं। वैक्सीन लगा लिए? कोविड नहीं मुझे दिखाने की वैक्सीन जरूरत, लगाए? मुझे दिखाने की कहा, कोविड वैक्सीन 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 मुझे लग गई। और सर अमित 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 तिवारी सर से मुझे एक बात कहनी है कि आपने अभी जो यूपी चुनाव हुआ था तो बीजेपी का विरोध किया था कि यार ये तो सरकार गई, पॉलिटिकल आपने बातें कहा ना था। करें नहीं प्लीज। क्या करूं मैं? तो मैं ये वैक्सीन के मुद्दे पे बोल रहा हूँ कि आपने कहा था भाई तो वैक्सीन तो उन्हीं ने बनवाए है ना, तो वो तो मैं लगवाऊंगा, उनको मैं मानने हमने वाला बनवाए हूँ। क्या? सुनो यार, वैक्सीन जो वैक्सीन है, एक मिनट यार, वैक्सीन भारत के वैज्ञानिक ने बनाई है, मेरे वो यहाँ तो बीजेपी के कांग्रेस है भाई भाई, ने मेरे को बनाई भी है वैक्सीन यार। लगा है, हद मेरे को भी वैक्सीन बेवकूफी है लगा है। यार, वो ये तो हद विरोध कर रहे थे बेवकूफी ना है कि भाई भाई। ये वैक्सीन नहीं आईसी तो कौन विरोध भाजपा कर की रहा था? वैक्सीन है ना, एक तो मिनट विरोध कर रहे थे। रुको, भाजपा की वैक्सीन नहीं है भाई, आईसीएमआर की वैक्सीन है यार। अरे तो वो विरोध कर रहे थे ना अखिलेश आयुर्वेद यादव पे और कौन आओ, कौन सब एक मिनट विरोध कर रहे थे रुको, कि हम नहीं लगवाएंगे। एक मेरे को नहीं पता भाई ना, मेरे को मतलब है आप ना फिर इधर उधर नहीं भटकते, वैक्सीन लगवाए हो ना? हाँ लगवा लिया मैंने, हाँ, पर तो आपने बोला ना वैक्सीन का इसलिए मैंने बोला। आयुर्वेद की जो डंठल है उसको पिछवाड़े में क्यों नहीं खोसे आप? वैक्सीन क्यों लगाए? तो आयुर्वेदिक, आयुर्वेद मेरे यहाँ पे आयुर्वेदिक अस्पताल है ना, मैं आयुर्वेद वहां पे में जाता हूँ, तो, अच्छा आयुर्वेदिक आपके अस्पताल है ना मेरे आयुर्वेदिक यहाँ पे। अस्पताल में, आपके आयुर्वेदिक अस्पताल में आपने कोविड की वैक्सीन लगा ली है? नहीं, वो तो वहां वहीं पे लगी ना, वैक्सीन वाले वहीं पे आए थे। अब देखो, ये देखो भाई, ये देखो, इनके आयुर्वेदिक अस्पताल में भी कोविड की वैक्सीन लग रही है ना, मॉडर्न हाँ मेडिकल साइंस ने जिसको बनाया है ना। आप एक काम हाँ करो ना, आप ना अब आपको किसी घर में, आपको कहीं किसी को हो ना कोविड, तो नीम का जो हाँ डंडी होता है ना, डंठल हाँ दातून करते हैं जिससे, उसको कहीं ऐसी जगह में डालो आप कि जहां से कोविड बाहर निकल जाए। तो क्या चलो कर मैं रहे हो यार, आपको आपको मैं एक हिंदू धर्म से जुड़ी एक बात बताता हूँ। बता दो यार। हिंदू धर्म में पांच पौधों को बहुत महत्व दिया गया है, नीम, आम, जामुन, बरगद और पीपल। इससे ये कोविड की पांच पौधे, वैक्सीन बनती है क्या? नहीं, बनती, सुन तो लो पहले। तो ये जो पांच पौधे हैं ना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये रियलिस्ट रियल जिंदगी में सबसे ज्यादा आवश्यक हैं, कौन क्योंकि कौन जो से, कौन पीपल कौन है, से? पीपल, पेनिसिलियम का नाम सुना? पेनिसिलियम का नाम सुना था? पेनिसिलियम, पेनिसिलियम अरे सुन, मैंने नहीं सुना। पीपल, बरगद, का आम, नाम नहीं नीम सुना और ना? जामुन। यही तो हाल है, यही तो ये हाल है। तो इसलिए कहते हैं कि धर्म छोड़ दो, धर्म छोड़ोगे तो बहुत आगे जाओगे। तो मैं बता रहा हूँ ना, जो पांच पौधे हैं ना, इनका जरा वैज्ञानिक महत्व और इन पर और किए तू गए यहाँ शोध किधर पर है? जरा सर्च कर लेना।
कि ये पौधे जो हिंदू धर्म में क्या क्या है, हिंदू धर्म में जो पौधे बताए गए ना उनपे एक बार रिसर्च कर लेना, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा कि उनका महत्व क्या है। नाम क्या, फिर से बताओ नाम, बताओ क्या क्या नाम बताए। पीपल, बरगद, पीपल, बरगद, आम, नीम और जामुन। जामुन, आम, नीम और जामुन। अब एक काम करना है, सबका पत्ता निकाल के ना काढ़ा बनाना, और अगली बार जब कोविड हो जाए घर में किसी को, तो उससे गरारा करवा के ठीक करा लेना। हाँ हाँ करवा दूंगा, ये बेस्ट उपाय है, यही करो बस। आप आपको आपको अगर आप हिंदू धर्म को इतना मानते हो ना, तो आपको अपने हिंदू धर्म की कसम है, मॉडर्न मेडिकल साइंस का एक चीज इस्तेमाल करना बंद कर दो, कोई भी चीज मत। नहीं, मैं बिल्कुल, मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके से रहता हूँ। एकदम हाँ, बिल्कुल आयुर्वेदिक आप तरीके से रहो। गौमूत्र भी पीते ही होगे आप, पीते हो? नहीं 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 पीता। क्यों नहीं पीते? क्यों नहीं पीते? आपको, आप में से जितने लोग जो समर्थक है ना आपके, इनको भी इनके माँ बाप ने बचपन में गौमूत्र पिलाया होगा। मेरे घर में इतना पाखंड नहीं है भाई, ये इतने पाखंड की कमी नहीं है। आज आज मानते हो तुम हिंदू धर्म को पाखंड, पहले नहीं मानते थे। अरे एक मिनट भाई, मैं ये मैं पहली बार सुना हूँ कि घर में छोटे छोटे बच्चों को गौमूत्र पिलाया जाता है। नहीं, ये जब वो जब बच्चा बड़ा होता है ना, ये जब बच्चा जब बड़ा होता है, जब वो पूर्ण रूपेण टुन्नी हो जाता है, तब वो गौमूत्र पीता है, ऐसा होता है। गौमूत्र पीने के लिए पूर्ण रूपेण टुन्नी होना पड़ता है। आज आप ज्यादा समझ लो धर्म के ज्ञानी हो गए, मतलब धर्म को पढ़ लिए तो आज आप इसको पाखंड मानते हैं। सम्राट सर, तो धर्म को पढ़ना धार्मिक चीज है ना, पुण्य मिलेगा हमको भाई, आप भी पढ़िए ना। आज से हम पढ़ाते हैं आपको, आज से अगर बुखार भी पकड़ा ना, तो क्रोसिन पैरासिटामोल मत खाना। हाँ नहीं खाऊंगा बिल्कुल, कसम खा के गौमूत्र से काम चला लूंगा। अरे मैं कसम नहीं खा रहा, मैं एक बात और बताना। नहीं कसम, मैं अपने नाम का बता देता हूँ, मैं हिंदू सम्राट, मेरा नाम भगवान शंकर की कसम खाओ। भगवान की कसम खाने की जरूरत नहीं है, नहीं मैं भगवान को उतना नहीं मानता, मैं प्रकृति को ही भगवान मानता हूँ, प्रकृति को ही भगवान मानता हूँ। आप झूठ बोल दोगे, आप भगवान, जो जीवन था वही भगवान ना। तो कसम क्यों नहीं खा रहे हो आप? कसम खाने की क्या जरूरत है? कसम खाने से समझ लो यानी कि आपको कसम पे विश्वास है, ऐसे विश्वास नहीं है। अरे आपके लिए बोल रहा हूँ मैं भाई, कि कसम खा के जाओ ताकि मैं बांध दूं, क्योंकि कसम जैसी चीजें आप लोग मानते हो। नहीं मैं नहीं मानता कसम को, नहीं मानते। सुनो मैं, अरे सुनो भाई, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप सभी को। आप कहते हो ना कि ब्राह्मणों ने पाखंडवाद फैलाया है, सुनो सुनो मेरी बात सुन लेना पहले, कि ब्राह्मणों ने पाखंडवाद फैलाया है, सुन लो पहले, फिर बताना पाखंडवाद कौन फैलाता। मैं जहाँ पे रहता हूँ, ये मध्य प्रदेश का जबलपुर संभाग है, जो आदिवासी जनसंख्या बाहुल्य है, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा गोंड, भील, बैगा समझ लो जी, एसटी वर्ग के लोग ज्यादा हैं, लगभग 95% आबादी उन्हीं की है। और मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो मैं यहाँ पे देख चुका हूँ कि भाई पाखंडवाद ब्राह्मण फैला रहे हैं या ये लोग फैला रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सुनो 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 पहले, मैं ओबीसी से हूँ और मैं जाति मतलब नहीं रखता, मैं शूद्र, शूद्र हो ना मतलब। हाँ मैं जो भी हूँ आपके हिसाब से, मैं जो भी हूँ शूद्र हो, मैं वही तो बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से क्यों होता है भाई, ये सब चीज़ यार, ये आपके धर्म के हिसाब से, आप धर्म के हिसाब से आपने ओबीसी को डाला है। हाँ धर्म के हिसाब से ठीक, आपके हिसाब से आपने डाला ओबीसी को शूद्र, नहीं मेरे हिसाब से नहीं। अच्छा जाति क्या है, जाति क्या है? मैं जाति आदि को कुछ नहीं मानता, जाति संविधान में वर्णित है, इतनी जातियां जो बांटी गई है ना, जो संविधान में डाली हुई है। क्या मूर्ख इंसान हो यार, आदिवासियों का क्यों बता रहे? एक मिनट, जाति नहीं मानते तो भील, गोंड, आदिवासियों का किस्सा क्यों बता रहे हो? मैं ये बता नहीं, मैं संविधान के हिसाब से बता रहा हूँ कि संविधान में उनको एसटी वर्ग में डाला गया ना, तो उन्हीं का बता रहा हूँ। संविधान के हिसाब से आपकी जाति क्या है? मेरी जाति यादव है। यादव है मतलब भैया, राम कलेश के भैया है। चलो आप बताइए कहानी क्या बता रहे थे। आपको पता है यूपी में अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री से हटे थे, और ये अरे क्यों नहीं कर रहा, यादव वादव नहीं है, नहीं है यादव, पाखंडी लोग हैं वो, पाखंडी लोग हैं, पाखंडी लोग हैं ये ब्राह्मण। अरे तो आपको मानने से, आपके मानने से कुछ नहीं होता है, ऐसा मतलब मत यार। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात आपको बोलूं आजाद,
इनसे ये पूछते हैं सर ये कौन से भगवान को मानते हैं ना, तब मजा आएगा। आजाद एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे एक जोड़ना चाहता हूँ, फिर आप इनको बोलने दीजिएगा। मेरी नजर में वो शूद्र भी ब्राह्मण है भाई, जो ब्राह्मण धर्म के उसमें फंसा हुआ है ना अभी भी। ब्राह्मणवादी ही है वो शूद्र भी। दोस्तों आप लोग जितना हो सके स्ट्रीम को लाइक और शेयर करते रहें, ऐसे लोगों की हकीकत सबको पता चलनी चाहिए और ऐसे लोगों से ही लोगों को पता चलेगा कि धार्मिक इंसान होना कितनी बड़ी मूर्खता होती है और धर्म आपको कितना मूर्ख बनाता है और आपकी बुद्धि को हर लेता है। तो चलिए इनसे सर ये नहीं खाएंगे अब सर। हाँ पैरासीटामोल नहीं खाएंगे, और ऐसा ना हो, सिर्फ ऐसे ही कह रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए भाई, इनके परिवार दोस्त कहीं भी अगर किसी को एक्सीडेंट हो जाए, अगर जल्दी से उनको ब्लड चाहिए हो, तो ये भाई उसको मॉडर्न मेडिकल साइंस के थ्रू नहीं लेंगे, ये अपना आयुर्वेदिक उपचार ढूंढेंगे। किसी की हड्डी टूट जाएगी तो भी आयुर्वेदिक उपचार ढूंढेंगे। अगर किसी को हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना है तो उसके लिए आयुर्वेद से करेंगे भैया। अच्छा गौमूत्र ये इनसे पूछते हैं, नहीं ये इनसे पूछते हैं। अच्छा भैया बताओ, अगर किसी को हृदय ट्रांसप्लांट करवाना है तो आयुर्वेद से कैसे होगा? भगवान वाले सवाल पूछ रहे थे ना आप आजाद, वो पूछो। हाँ वो भी पूछते हैं। अच्छा बात का थोड़ी ये बता, नहीं पहले ये बता सुन लो, पहले नहीं पहले ये बताओ, नहीं सुनो सुनो मेरी बात सुन लो यार, नहीं सुन लो यार मेरी बात, मतलब कैसे 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 हृदय ट्रांसप्लांट होगा बताओ। तो मतलब आपको, मतलब मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, साइंस को नहीं मानता, ये आप कहना चाहते हैं ना? चलो बताओ, चलो मानते हो साइंस को, तो ये बताओ कौन से भगवान को मान जा सकते? अरे भैया ठीक है, नहीं माना जा सकता क्योंकि आपको मूत भी पीना है, तो फिर साइंस आप कहाँ से मानते हो? साइंस कभी मूत पीने को नहीं कहती। अच्छा आप ये बताओ कौन से धर्म को मानते हो, ये बताओ, सॉरी कौन से भगवान को मानते हो, कौन से भगवान को मानते हो? अरे ये बताओ भैया कौन से भगवान को मानते हो? 33 करोड़ में से कौन आपका इष्ट देव कौन है यार बताओ यार, मैं आपको पूछ रहा हूँ यार बताओ ना। 33 प्रकार के देवी देवता कोई नहीं है। चलो कौन से किसको मानते हो? चलो तुम डिबेट करते हो तो उस पे तुम फंसा, इस पे तुम फंसा कर मुझे डिबेट निकालना चाहते हो, तो मैं कुछ और बताना चाहता हूँ ना हिंदू धर्म के बारे में। यार भगवान के बारे में पूछ रहा हूँ यार, इससे डिबेट कैसे निकल जाएगी? मतलब आपका भगवान फिर झूठा है, आप खुद ही साबित कर रहे हैं। मतलब भगवान पे पहुंचने के बाद डिबेट निकल जाएगा, मतलब आपका भगवान फर्जी है ना? आप सिद्ध कर दिए ना कि आपका भगवान फर्जी? भाग गया देखो ये भगोड़ा, रुको आ गया। हाँ भैया भागो मत भैया, पहले ये बताओ किसको मानते हो? चलो बताओ कौन से भगवान को मानते हो, बताओ। जो मेरे लिए आस्था का केंद्र है उसी को मानूंगा, जो मैं जिस मैं भगवान के आदर्श को मानता हूँ उनके प्रकृति को मानता हूँ, पांच तत्वों को ही भगवान मानता हूँ। कैसे यार हिंदू हो, जब हिंदू धर्म के गॉड गॉडेस को नहीं मानती यार, फिर काय के लिए हिंदू बोल रहे हो अपने आप? बात बताऊं आजाद, मैं 100% श्योर हूँ ये भगवान शंकर या हनुमान जी को मानते हैं। ये इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि भगवान शंकर बताएंगे तो आडी आएगा, हनुमान शंकर बताएंगे तो सूरज खाने वाला किस्सा आएगा। ये चैनल देख के आए हैं, देख के आए हैं, बहुत दिन बाद ज्वाइन किए। नहीं भैया इतना कोई नहीं डरता अपने भगवान का नाम लेने में। अच्छा मंदिर जाते हो? अच्छा ये बताओ मंदिर जाते हो? सूर्यदेव को मानता हूँ, जलदेव को, अग्निदेव को, धरती माता को मानता हूँ। अरे भैया जलदेव नहीं है ना, सूर्यदेव है, ना सूर्यदेव है ना जलदेव है, हिंदू धर्म। हाँ आपके लिए होंगे लेकिन चलो ये बताओ। अरे भैया सुन ले, ओ भैया सुन ले प्लीज, रुको सुन ले यार। हिंदू सम्राट जी धरती माता को मानते हो? भगवान मानते हो धरती माता को? मानता हूँ ना। और जो जल और जो जल है उसको अपना देवता मानते हो? हाँ मानता हूँ। तो इसका मतलब धरती माता के ऊपर हगते हो, इसका मतलब धरती माता के ऊपर हगते और जल देवता से उसको धोते हो, ये मानते हो आप ना? हाँ वेरी गुड। ये तो भाई मेरा नित्य कर्म है ना, ये तो सभी जीवों का है, मतलब गजब भगवान है, जानवर नहीं, जो जानवर इनका भगवान इसी काम आता है ना, सोच लो भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी काम, मतलब आप नहीं मानते है ना, जो जीवन देने वाले तत्व है वो आपके लिए भगवान नहीं है? नहीं है भाई,
वो भगवान क्या भगवान क्या होता है क्या भगवान क्या होता है जो जीवन देता है जो जीवन देता है वही तो भगवान है तो आप भगवान है मतलब आप तो जीवन देंगे सुनो मैं आज आपको बता रहा हूँ साइंस अगर कहेगा कि जो जंगल और जंगलों को और नदियों को प्रदूषित करके तबाह कर दो तो आप जिंदा रहोगे साइंस के कहाँ कहता है कि भाई जंगल को तबाह कर दो साइंस के कहाँ था नहीं तो जंगल किताब में लिखा आप लगता है देखते नहीं हो ना हमारा धर्म क्या कहता है इनकी रक्षा करो हमारा रुके ना भाई हिंदू सम्राट सम्राट जी थोड़ा रुके ना भाई बहुत आप तेजी से जा रहे हैं इनको इनको साइंस बोल रहे धीरे धीरे चलते हैं ना अपन बहुत तेजी से भाग रहे भाई पकड़ नहीं पा रहा हूँ मैं अब ये बताइए साइंस में कहाँ लिखा है कि जंगल तबाह करना चाहिए और नदियां तबाह करनी चाहिए कौन सी किताब में लिखा है मैं किताब सर्च करता हूँ अभी वाले देश चलो भैया तरक्की कर रहे हैं ना वही तो तबाह कर रहे हैं ना चाइना दुनिया का सबसे देश तरक्की कर रहा है तो देश तरक्की तो तबाह हो रहा है जंगल वगैरह इंसानों को तबाह करने के बाद ये तरक्की किस काम की अच्छा तो आप क्या आप जंगल में रहते हैं कि आप कहाँ रहते हैं हाँ मैं जंगली इलाके में रहता हूँ मेरा जो इलाका है वो लगभग आप जंगल में रहते हैं मतलब आप पेड़ों में रहते हैं या कुटिया बना के रहते हैं कि घर में रहता हूँ घर में रहता क्यों रहते हैं क्यों भाई आप भी रहते हो घर में तो मैं भी रहता हूँ अरे भैया इलेक्ट्रिसिटी यूज करते इलेक्ट्रिसिटी हाँ है ना इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है इलेक्ट्रिसिटी आती भाई इलेक्ट्रिसिटी मैं तो उसका विरोध करता हूँ ना कि ये बिल्कुल गलत है विरोध करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बंद करिए ना मीटर कटवाइए ना अपना घर का भाई आप खुद जो है पॉल्यूशन के लिए आप खुद एक बहुत बड़े जिम्मेदार हैं खुद को धार्मिक कहते हैं आपको तो सोचना चाहिए ना हम तो चलिए हम तो नास्तिक है हम तो अधर्मी है हमारे लिए तो घर में नहीं रहना चाहिए इनको घर में नहीं रहना चाहिए यार जंगल में जाना चाहिए जंगल में रहना चाहिए भाई प्रकृति में रहिए आप कपड़े मत पहनिए कपड़े कहाँ से आते हैं बताइए आइजैक न्यूटन जी एक मिनट यार आप बिजली का विरोध करते हो हिंदू सम्राट जी बिजली अरे सुनो बिजली का विरोध करते ही है नहीं आप उपयोग करते हैं पर विरोध करते हैं नहीं आप बहुत समझदार व्यक्ति लगते हैं ना सुनो मेरी एक बात क्यों विरोध करते हो बिजली का सुनो 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 एक चीज बता रहा हूँ मैं एक टॉपिक बता रहा हूँ मैं एक साइंस के ऊपर एक बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री है तो उसको देखना इसमें द अर्थ फ्लड करके बिफोर द फ्लड करके एक चैनल है उसकी डॉक्यूमेंट्री देख लेना आपको पूरा पता चल जाएगा कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं हमारा साइंस इंसान को आधुनिक युग में ले जा रहा है या विनाश की तरफ ले जा रहा है ये बता देगा क्रिटिसिज्म जरूरी है ना ये बताओ इसलिए मैं धर्म को मानता हूँ साइंस से मुझे बहुत नफरत है साइंस दुनिया को तबाह करने के लिए साइंस से नफरत है आपको बिल्कुल नफरत अरे भैया साइंस ना होता तो गुजर गए होते साइंस से नफरत है भैया इनको तो भाई अरे साइंस की वजह से लगाई होगी यार साइंस की वजह से ये बात कर रहे हो यार साइंस की वजह से ही आप मेरे साथ जुड़े हो साइंस से नफरत है किससे ना खाते अगर एक कीड़े मकोड़े ना खाते तो ये कोरोना नहीं होता अच्छा सुनो ना साइंस से नफरत है तो किससे प्यार है आपको मुझे भाई नेचर से प्यार है और अपने धर्म से प्यार है तो नेचर में रहते क्यों नहीं हो आप तो नेचर में और भाई धरती जीत ये हिंदू सम्राट बताऊं ना आपको ये नेचर भी ना ऐसे नेचर में ऐसी ऐसी तबाही होती है ना कि वो भी आपको मार डालेगा साइंस जरूरी है साइंस की वजह से ही आप सुरक्षित हो जब साइंस नहीं था ना पेड़ से लिपटते हो क्या हाँ ये वो तो मेरे लिए पूजनीय है अच्छा जो पेड़ से लिपट जाते हो क्या आप रोज हाँ लिपट जाते हैं चिपको आंदोलन सुना होगा तुमने जिसमें तुम शूद्र मानते हो उन्हीं को उन्हीं ने बचाए थे उन पेड़ों को मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ सर मैं तो आपसे जानकारी ले रहा हूँ बस नहीं अच्छा, तो आप जिनको शूद्र कहते तो उन्होंने पेड़ों को बचाया था ना चिपको आंदोलन सुना होगा सर आप खाना क्या खाते हो वेजिटेबल्स खाता हूँ मतलब जो शाकाहारी है डिफॉरेस्टेशन करके जंगलों को काट के ही खेतों को बना रहे इंसान हाँ तो वो मेरे यहाँ तो मेरे सामने मेरे यहाँ जंगल काट के तो अभी खेत नहीं बने मेरे सामने अरे पूरी दुनिया में यही हुआ है भाई डिफॉरेस्टेशन करके ही खेत बनाए गए हैं आपको पता नहीं है शायद ये बात
काफी लेट आएगा। चलो जो हुआ लेकिन अब क्यों हो रहा है, चालू करो ना। हिंदू सम्राट मतलब आपका कहना ये है कि जब पहली बार पृथ्वी ठंडी हुई उसके बाद सीधे खेत तैयार मिले थे आपको, ऐसा कहना है आपका? इंसानों को धरती पे आई हुई एक लाख वर्ष हुई है। आपको बताऊं सर, मैं एक तरीका आपको बता, अच्छा एक मिनट, आप हिंदू सम्राट जी आप सुनो पहले मेरी बात, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ सुनो। आप धरती माता को प्यार भी करते हो और आप जो नेचर है इसको भी प्यार करते हो ना, आप जो प्राकृतिक चीजें इसको भी प्यार करते हो। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, उससे आप ना जीव जंतु पेड़ पौधों का भी नाश नहीं करोगे, आप जो हकते हो ना उसी को खा लिया करो आप। मतलब यानी कि आपका कहने का मतलब है धरती माता देगी आपको ना, धरती माता देगी ना आपको अनाज खाना, गलत नहीं है। अनाज जिस तरह से उगाया जाता है ना वो डिफॉरेस्टेशन करके ही उगाया जाता है। साइंस कितनी ही टेक्नोलॉजी विकसित कर ले अनाज नहीं बना सकता। अच्छा भाई एक बात बताओ आपको क्या लग रहा है साइंस किसी, अच्छा मेरे को हाइब्रिड का नाम सुना है, हाइब्रिड धान का नाम बासमती, हाइब्रिड कहाँ से बना भाई? आइजेक न्यूटन जी मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरे को कुछ और ही मामला लग रहा है। पीटी जीन का नाम सुना है? हाँ सर आप बात करिए। न्यूटन जी मेरे को ऐसा लग रहा है इनको, सर ये बात बताओ साइंस आपको लगता है किसी आदमी का नाम है क्या? नहीं 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 है। हाँ नहीं आपको ऐसा लग रहा है क्या जैसे वो मिस्टर इंडिया का विलेन था मुगैम्बो, उस तरह का कोई आदमी है क्या साइंस जो जानबूझ के दुनिया में इतनी बर्बादी फैला रहा है? मतलब आप कह रहे हैं साइंस की तरफ चलो, मतलब बर्बादी की तरफ चलो। अच्छा मतलब साइंस ने आपको बर्बाद कर दिया है। अच्छा सर इनको ना ये बताएं कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था ना उस टाइम बताएं कि हमारे इंडियंस का लाइफ स्पेन कितना था, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी थी? भैया आप चौंक जाएंगे, 35 से 40 साल थी। हाँ 35 थी एवरेज। सर आपने क्या वर्ड यूज किया, आजाद जी आपने क्या वर्ड यूज किया? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी सॉरी, उसका अर्थ तो पूछिए इनको, इसका मतलब क्या हुआ? आप इतना बड़ा ज्ञान झाड़ दिए बेचारे के सामने। साइंटिफिक टर्म है भाई वो, नहीं बताएंगे। औसत औसत उम्र कह रहे हैं ना आप, उनकी औसत उम्र। अरे वाह आता है इनको, वाह वाह। हाँ हाँ तो भैया वो पता 35 साल थी, अब जाके 70 के करीब पहुंच रही है, ये साइंस की वजह से हुआ है। अच्छा यार ये बहुत अच्छे कॉलर वैसे आए हैं, मेरा काफी ज्ञान वर्धन हो रहा है। अच्छा हिंदू सम्राट जी ये बताओ अभी आपने कपड़े क्या पहने हुए? अब मैंने कपड़े पहने सूती के। सूती नहीं नहीं क्या पहने हो, पहने क्या हो ये पूछ रहे? ये जानबूझ के सूट का बोला है ताकि वो बोल सके खादी है। शर्ट पैंट पहने हो ना? अरे नहीं तो भाई जो कॉटन की भी जो खेती हुई है वो भी तो डिफॉरेस्टेशन करके हुई है, खेती तो खेती है। ये राजीव दीक्षित के नहीं करते आपके, आप तो जंगल के पास ही रहते हो ना? कोई ऐसा पेड़ है जिसके बड़े बड़े पत्ते हो? केले का पेड़ है? केले का पेड़ नहीं, केले का नहीं, सागौन के पेड़। हाँ तो बस उसके रोज पत्ते तोड़ के क्यों लेते आप अपने आप को? सागौन के पेड़ देखे ना, घर ढकते हैं ना हमारे यहाँ आदिवासी लोग जो शूद्र मानते हैं जिनको आप। तो अरे उससे शरीर क्यों नहीं ढक रहे हो आप, ये पूछ रहा हूँ मैं। शरीर भी ढकते हैं ना आदिवासी लोग यहाँ पे, बस्तर यहाँ पे आना ना छत्तीसगढ़। आप क्यों नहीं ढकते, आप क्यों नहीं ढकते? मैं क्यों ढकूंगा, अरे मेरे पास कपड़े है ना तो मैं कपड़े से ढकूंगा यार। तो कपड़े क्यों यार, कपड़े तो प्राकृतिक चीज रहना चाहिए ना। तो कपड़े आप तो प्रकृति को मानते हैं यार, कपड़े क्यों पहन रहे हो? घर भी नहीं यार, लकड़ी को बनाओ ना आप। अच्छा नीचे जूता चप्पल क्या पहने हो? चप्पल क्या पहने हो? चप्पल पहने तो भाई चप्पल भी कहीं ना कहीं बनी होगी, उसमें भी कोई विज्ञान का इस्तेमाल हुआ होगा, क्यों पहने हो? नहीं ये तो सर खड़ाऊ पहनते, मतलब खड़ाऊ पहले नहीं बनती थी क्या? टायर की चप्पल, टायर कैसी बनी यार? टायर कैसे बना भैया, टायर किसने बनाया? कौन सा वाला लगा के आयो? नहीं मेरा सुन लो, दुनिया के जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट है ना नास्तिक लोगों ने आविष्कार किए हैं, पहले ये जान लो कौन नास्तिक ने आविष्कार किया।
ओ चाचा अंडरवेयर पहनते हो, चड्डी पहनते हो, वो बिना सिलाई के बोल ही नहीं सकती, वो तो पता है ना, वो तो पता है। क्यों पहनते हो? मतलब सुनो सुनो, जब दुनिया नंगी घूमती थी ना, जब भारत में गुरुकुल चलते थे, समझे? अच्छा, तो क्या नंगी घूमती थी जब भारत में गुरुकुल चलते थे, कहाँ चलते थे गुरुकुल? अच्छा मैंने सुना है हिंदू सम्राट जी कि कृष्ण जो थे, सुनिए ना सम्राट जी, जो कृष्ण जो थे वो काम शास्त्र में पूरी तरीके से पारंगत थे, तो मेरे को वो गुरुकुल का एड्रेस बताइए जहाँ पर काम शास्त्र में पारंगत किया जाता है, मैं भी वहां से पढ़ना चाहता हूँ, मतलब डिग्री लेना चाहता हूँ। आपको काम शास्त्र का ज्ञान नहीं है बिल्कुल, मतलब आप ये नहीं करते है ना, काम शास्त्र का देखो डिग्री चाहिए भाई, जैसे कृष्ण जी को काम शास्त्र का ज्ञान था और वो चार प्रकार से चुंबन ले सकते थे, तो लेते थे ना भाई सबका। हाँ तो हमको भी सीखना है ना, वो गुरुकुल का एड्रेस बताइए ना मुझे। अरे तो आप तो सीखे से कहा है ना, आपने बहुत किया है। अरे यार आप बता भी नहीं पा रहे, गुरुकुल आपसे पूछ रहा हूँ तो आप बता भी नहीं रहे मुझे, मुझे डिग्री करनी है। न्यूटन जी काम विज्ञान छोड़िए, हम मेन विज्ञान पे आते हैं। अच्छा हाँ। तो ये सब आपके वैदिक टाइम पे था ऐसा आप कह रहे हैं ना सर? हाँ हाँ, इतना नहीं था। कृष्णा पढ़ के आए थे भाई, काम शास्त्र पीएचडी थी उनकी। न्यूटन जी कम से कम आप तो अब अमित जीवन बनिए। सुनिए एक चीज बताइए मुझे कि पुष्पक विमान था ना राम जी के समय पे? मैं देखने तो नहीं गया था ना। लो तो आपको विश्वास नहीं है आपके शास्त्रों पे? अरे यार नहीं है बिल्कुल, मैं अपने शास्त्रों पे उतना मैं उसको ध्यान नहीं देता, मैं उनकी सिर्फ मैन बातों को टॉपिक को मानता हूँ जो मेरे लिए काम की हैं, फालतू चीजों का ज्ञान लेना मेरे लिए जरूरी नहीं है। मतलब रावण फालतू है? नहीं नहीं रावण फालतू नहीं है ना, आप जैसे लोग जो फालतू का ज्ञान देते हैं ना, इस पर मैं ज्यादा गौर नहीं करता, जो मेरे लिए जरूरी वही गौर उसी चीज को मैं लेता हूँ। स्कूल में हर चीज पढ़ाई जाती है, आपके लिए क्या जरूरी है? चलो मैं आपको एक बता रहा हूँ, गांव में चार लोग बैठते हैं ना तो वो कई तरह की बातें करते हैं, मतलब उनका अपने कहने का मतलब ये है कि उनकी जो काम की बातें वही सीखो, फालतू की बातें सीख कर उनका विरोध करोगे क्या? एचएस चाचा अब रुक जाओ, मैं बोल रहा हूँ आपके लिए क्या काम का ये बताओ। तो मेरे लिए जो जीवन में जो जरूरी है आज की जिंदगी में क्या? अरे जो जीवन यापन के लिए जरूरी है। हाँ तो केले के अच्छा पत्ते की चटनी तो नहीं पहनते होगे ना, जो की पहनोगे तो केले के पत्ते जरूरी ना भाई, केला खाते होगे नहीं तुम? केला नहीं खाते क्या? केला खाना अच्छा, मोबाइल क्यों इस्तेमाल कर रहे हो यार आप? हाँ मोबाइल बंद कर दो आप। तो आप जैसे लोगों को लोगों से डिबेट करने के लिए मोबाइल यूज करना पड़ता मुझे, मतलब विज्ञान की बुराई करने के लिए भी विज्ञान का सहारा लेना पड़ा ना। क्या हो गया इनको? साइलेंस हो गए, कट गया उनका, बिजली चली गई इनको तो नफरत है भाई बिजली से। चलो यार ये तो फिर बहुत, ये तो बहुत गंदे वाले बेटे भी होंगे ना, ये अपनी माता जी को वो चक्की का आटा वो मैनुअल चक्की से पीसते होंगे फिर घर पे। अच्छा मेरी वॉइस आ रही ना? हाँ अच्छा मैं इनसे ये कह रहा हूँ। अरे अभी चले गई सर, आजाद आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो अभी आ रही है? अब आई आजाद। हाँ बोलिए बोलिए। मैं इन्होंने बोला कि भैया मोबाइल इसलिए लिए कि आप लोगों से डिबेट कर सकें, तो यार ये बताओ अगर ये बात तो आपकी यहीं से फॉल्स साबित हो जाती है कि जब आपके पास मोबाइल था ही नहीं और आप हमारे लिए लेकर आए मोबाइल कि हमसे डिबेट कर सको, तो यार फिर आपने हमारी स्ट्रीम देखी कहाँ, कैसे देखी? क्योंकि हमारी स्ट्रीम तो यार प्राकृतिक रूप से तो नहीं चल सकती है। मुझे एक बंदे ने बोला था, तुम्हारा जो सब्सक्राइबर है, तुम्हारा जो सब्सक्राइबर, उसने मुझे कहा था कि इनसे डिबेट करना। अच्छा तो फिर आप मेरे लिए मोबाइल लिए स्पेशली मेरे लिए मोबाइल लिए हम लोगों से बात करने के लिए? कोई आपको बदला नहीं है? मैं अपने हिंदू भाइयों को संगठित करने के लिए बस ये काम करता हूँ। ओ भैया जैसे आपको फंसा के बड़े वाले हो यार, फिर तो आप
आप लोग जैसे ना दो चार लाख लोग लेके सोच रहे हो कि हमने पूरी भारत के नास्तिकों की एक फौज बना ली है ना, तो कुछ नहीं है। 140 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ को हटा भी दोगे ना तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम फौज बन गए हैं, हम तो चाहते हैं आप हमें मार डालो, ऐसा बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, आपको मारने की नहीं बोल रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि 1 करोड़ लोग जो आपने नास्तिक बना भी लिए ना, तो इनसे क्या हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा? मेरे पास आपका आईपी एड्रेस है और मैं एज पर इंडियन लॉ मैं आपके पर एफआईआर करवाऊंगा कि आपने मुझे ऑन एयर आपने हम सबको मारने की धमकी दे दी। ओह वाह, यहाँ मेरे पास रिकॉर्डिंग है, इसमें मैंने कहाँ बोल दिया? हाँ बोल, अरे आपने बोला ना कि ऐसे 1 करोड़ लोगों को मार दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है? तो मैंने क्या कहा कि 1 करोड़ लोगों के ना, एक मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि 1 करोड़ लोग हिंदू धर्म को छोड़ भी दे तो क्या हिंदू धर्म से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना, तो हम कहाँ बोल रहे हैं यार? तो मैं तो कह रहा हूँ ना, 1 करोड़ 10 करोड़ लोग छोड़ दे, एक नहीं मैं 10 करोड़ भी बोल रहा हूँ ना, 10 करोड़ लोगों के हट जाने से हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा? अरे धरती माता के पुत्र, शांत हो जाओ थोड़ा, सुनो। क्यों गुस्सा हो रहे आप इतना? एक आप, आपकी पूरी बात हम सुने, ये बताओ कि घर में बिजली इस्तेमाल करते हो? हाँ करता हूँ ना, सब करता हूँ जो टेक्नोलॉजी है। करते हो तो क्यों जरूरी, क्यों ना करूँ भाई? ये मेरे जैसे आस्तिक लोगों की बनाई हुई है, क्योंकि उस कंपनी में मेरे जैसे आस्तिक लोग काम करते हैं ना, नास्तिक तो उन्होंने क्या बनाया है? आरक्षण लेके देश में कितने आविष्कार हुए जरा बता दो। मतलब जो नास्तिक लोग हैं उनका बनाया है। पेट का दर्द बाहर आया कि आरक्षण मिल रहा है, ये पक्का सवर्ण है, इसका पेट का दर्द बाहर आ गया, आरक्षण से प्रॉब्लम। हाँ यार, आप तो नहीं, मुझे मिलता है, लेकिन ओबीसी नहीं, मुझे मिलता है, थोड़ा बहुत पकड़े गए, पकड़े गए भैया, आप तो पकड़े गए दादा, पकड़ लो दादा, पकड़े गए यार, आप जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँच, आप दोगला सम्राट। हाँ दोगला सम्राट, ओह वाह, चलो ठीक है। मैं यही तो बोल रहा हूँ ना कि जिनको जो आरक्षण मिल रहा है जो 100%, तो उसका क्या उन्होंने कितना कितने आविष्कार कर लिए भाई? कोई ऐसा 100% आरक्षण नहीं मिल सकता किसी को, जो मिलता है वो ब्राह्मणों को मिलता है, मंदिरों में मठों में और कहीं नहीं मिलता। मंदिरों में दान कौन करता भाई? जनरल वर्ग के लोग करते हैं, ओबीसी वर्ग के लोग, शूद्र कहाँ से दान करते हैं? अरे किसने बोला? मेरे यहाँ जो आदिवासी है, थोड़ा बहुत लॉजिक है भैया, अरे भैया थोड़ा बहुत लॉजिक है। जिसकी 90% आबादी है दान वो करेगा या 10% जिनको चंदे पे ही पलना है? 10% नहीं, सॉरी 3% जिनको चंदे पे पलना है, कौन दान करेगा भाई? जो 3% खुद ही कर लेंगे, खुद ही ले लेंगे। नहीं 80% बोलो, 20% तो मुसलमान हो गए ना यार। भाई मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, मुसलमान की बात कर रहा हूँ, जो हिंदू है ना उनमें से, हिंदुओं में से 85%, अरे SC ST OBC 85% समझाता हूँ, हिंदुओं की जो आबादी है उसके 90% लोग SC OBC से आते हैं, 10% में 3% ब्राह्मण है, 3 से 3.5%, बाकी ठाकुर या क्षत्रिय है। अब बोलिए इनको, मतलब नहीं आपको कहने का मतलब 90% लोग दान करते हैं, मैंने तो नहीं देखा यहाँ, मेरे यहाँ OBC और ST और SC वर्ग के लोग। हो सकता है आपको कोई मकड़ा वकड़ा निकल लो यार, और इसलिए आपको चश्मे वश्मे आ चुके हैं, चश्मे लगवा लो, दिखने को आ जाए। नहीं तो मैं वही तो, अरे मैं मेरा सुन लो ना, पाखंडवाद में बताना चाहता हूँ, वही तो अभी मैं बता रहा था। अच्छा, एक तुमने मिनट नहीं यार, आप चुप रहो थोड़ा सा, एक मिनट चुप रहो, ये मेरी स्क्रीन शेयर कर दीजिए आजाद। ये देखो भाई, विकिपीडिया से मेरे को कोट करना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन चलो दिखाने के लिए काम आ जाता है। लिस्ट ऑफ एथियस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ना देखो साइंस और टेक्नोलॉजी में हम देखते हैं कि एथियस्ट लोगों ने क्या क्या कमाल दिखाए, ठीक है? ये देखो, चलता जाता हूं मैं, अब आप देखते जाना दर्शकों, ना ए से शुरू हुआ, अल्फाबेटिकली है, देखो हमारे हैं सब, ये हमारे भाई लोग हैं जितने, और मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देखो सब हमारे भाई है ना, हमारे पूर्वज हैं यही। हाँ ये चलते जाएंगे हम, चलते जाएंगे, ये देखिए सर, इसमें देखिएगा कहीं पे श्री राम, श्री कृष्ण या आशाराम या फिर ये अपना, कहीं नहीं, दूर दूर तक नहीं, नहीं है दूर दूर तक नहीं। अच्छा दोगला सम्राट है, इसे वो देख लीजिएगा, दूर दूर तक, ये जरूर दोगला सम्राट देखें सर,
ये सारे लोग। अच्छा इसमें एक देखिए गजब का नाम एक आया है ना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट, जिनके नाम से चंद्रशेखर लिमिट भी है एक ना, ये भी बता दूं। ये है, ये देखिए, ये सारे के सारे लोग वो हैं दरअसल जो सही मायनों में जिन्होंने मानवता की सेवा करी है ना। ये देखिए, ये आज हम आप हम जो भी विज्ञान अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस का हम करिश्मा देखते हैं, वो सारा इन लोगों की देन है। ये देखिए, पता नहीं कहाँ है भगवान शंकर इसमें, भगवान राम क्यों नहीं दिख रहे हैं, मोहम्मद क्यों नहीं दिख रहा है, जीसस क्यों नहीं दिख रहा है, कहाँ है, यहोवा नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई नहीं है। इतना आसान होता है ना इन लोगों का ऐसा आके बोल के चले जाना कि ये आस्तिकों ने हमारी पूरी टेक्नोलॉजी बनाई है, कितना आसान ये लोग समझ लेते हैं। देखिए लिस्ट ही लिस्ट है, और ये तो सोचो आप विकिपीडिया को तो हम इतना अच्छा कोई वो भी नहीं मानते, तो ये लिस्ट छोटी ही होगी ऑफ कोर्स। दरअसल साइंटिफिक कम्युनिटी में 90% जो लोग है ना वो एथियस्ट है, ये है बिल्कुल। तो दोस्तों जो लिस्ट दिखाई वो 200 से ज्यादा साइंटिस्ट है इसमें नास्तिक, क्या बोलेंगे आप दोगले सम्राट जी। तो दोस्तों देखा, ये दोगले सम्राट जो आए थे इनकी ऐसे पोल खुलती है, और देखिए कितने झूठे लोग होते हैं मक्कार। ए भाई जानबूझकर ऐसा बोल रहे हैं कि ये सूती के कपड़े पहने हुए हैं जिससे कि ये बच सकें, भैया खुद बिजली का विरोध करके मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हैं और साइंस के घोर विरोधी भी बता रहे हैं। तो यार ऐसे दोगले लोगों से तो दुनिया को इनको दिखाएं कि दुनिया और हमारे भारतवासी लोग के भी कितने कैसे लोग हैं भारत के यार, ये जो टुन्नी लोग आजाद, मगर ये बात है भाई, धरती का सीना, ऐसे लोग धरती का सीना फाड़ के पैदा होते हैं भाई, ये मतलब ये महान लोग हैं यार। अगर ऐसे लोग हों ना तो मैं तो बोलता हूँ ज्यादा लोग एथियस्ट बन सकते हैं, पता है आपको, मतलब इन लोगों की बातें ही अगर सुन लेना लोग, और खास तौर से मैं, अच्छा मेरा तो टारगेट ना दरअसल रहता है टीनेजर्स का, ठीक है, अगर वो सुन लेना इनकी बातें, पक्का बता रहा हूँ यार, वो ये सोच के चलेंगे कि भाई हम तो ऐसे बुद्धू नहीं बनने वाले भाई। बताओ भाई, बंदे को बिजली से नफरत है यार, बताओ बिजली क्या करी इसका, ये लगता है बचपन बिजली झटका लग गया था। मोबाइल भी सर इसलिए लिया जिससे कि हमसे डिबेट कर सके, वाह भाई वाह, क्या बात है। और इसको किसी ने भेजा है, किसी ने बदला लेने भेज दिया है यहाँ, पता है भैया ये आरएस जी सर लिख रहे हैं, आरएस जी सर लिख रहे हैं कि कॉलर एंटी इलेक्ट्रिसिटी वाला फर्स्ट टाइम सुना है भैया, ये तो मैंने भी फर्स्ट टाइम ही सुना। हाँ, तो दोस्तों ऐसे फर्स्ट टाइम वाले आप खेती कैसे करोगे बिना ट्रैक्टर के, ये तो बताओ, क्या आज भी बैल जोतो। चलो बहुत सारे अभी आए हुए दिख रहे हैं भाई, ये कोई प्राउड हिंदू भी आ गए हैं। हाँ, चलो इनसे भी डिबेट कर रहे हैं, अभी इनका तो हो गया। चलिए हाँ, हिंदू सम्राट आप आते रहे, आप नेक्स्ट स्ट्रीम पे जुड़े, आप आते रहे। आप एक काम कीजिएगा, बिजली को हाथ से मारने की कोशिश कीजिएगा, बिजली का बिजली का गला घोटने का कोशिश करना आप। हाँ ठीक है, चले हिंदू सम्राट को ये